नमस्कार दोस्तों, यूं तो मेडिटेशन की हजारों लाखों विधियां हैं। अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से ध्यान को समझाने की पूरी कोशिश करी है और वो सब अपनी अपनी जगह पर सही है। तो मैं भी आपके साथ ध्यान को समझाने की जो भी मेरी कोशिश है वो पूरा प्रयास करता हूं कि शायद मेडिटेशन के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके समझा सकूं और आसान से आसान भाषा में समझा सकूं कि ध्यान क्या होता है, जैसे मैंने सीखा, जैसे मैंने जाना, जैसे मैंने अनुभव किया और जिससे मैं आनंद लेता हूं और जिससे मुझे जीवन में सफलताएँ मिली। मेरे हिसाब से अगर देखो गौर से तो ध्यान कोई विधि नहीं है। ये जो हम जितनी विधियाँ करते हैं ध्यान की, ये सब के सब प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन है, ध्यान करने की तैयारी। बट दीज आर नॉट द मेडिटेशन, ये मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन क्या है? वो तो एक समझ है, एक बात है जो समझ में आ जाए। अब वो पल भर में समझ में आ सकती है। अगर आपके भीतर इतनी प्रज्ञा हो ना तो उसको समझ में आने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। कोई जरूरी नहीं कि आप बरसों बरसों तपस्या करो हिमालय की कंदराओं में बैठकर। बस वो एक जरा सी बात है वो जो समझ में आ जाए, बस जानते सब हो आप और जानते भी हो और मानते भी हो, लेकिन आप क्या करते हो, ट्रस्ट कर लेते हो। आपने सुन लिया बस आत्मा है और मान लिया, आपको पता है कि आत्मा है और आपने मान लिया, लेकिन आपने क्या किया, उसे अनुभव नहीं किया। ये देखो जो हमारी पूरी बॉडी है ना, इसके अंदर एक माइंड जैसी चीज है, मन जैसी चीज है जो हमें दिखती नहीं, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है। अब ये जो मन है ये क्या होता है, जब हम बचपन में पैदा होते हैं तो एक कोरी किताब लेकर पैदा होते हैं। ऊपर वाला क्या करता है, एक ब्लैंक बुक हमारे हाथ में दे देता है। और दुख की बात यह है कि उस बुक में हमारी जिंदगी की कहानी दूसरे लोग लिखते हैं, यानी कि हमारे माता पिता, हमारे धर्म, हमारे मजहब, हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी देश, हमारी जात। और हम उस चीज के साथ सारी जिंदगी स्टिकअप हो जाते हैं कि हम हायर कास्ट के, हम लोअर कास्ट के, हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम गोरे हैं, हम काले, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, हम इस मजहब के, हम उस मजहब के, हमारे ये संस्कार, हमारे वो संस्कार, ये अच्छा है, ये बुरा। अब ये हो गई प्रोग्रामिंग माइंड की, और इसी प्रोग्रामिंग को लेकर हम सारी जिंदगी जिएंगे। क्या सही था, क्या गलत था, ये तो हमें मालूम ही नहीं पड़ा। हमारी जिंदगी में हमारी किस्मत की किताब कोई और ही लिख रहा है। उसकी वजह सिर्फ एक ही है, क्योंकि हम अवेयर नहीं इस बात के प्रति कि हमारा ये प्रोग्राम्ड माइंड किसी और ने कर दिया, ये अनजाने में हो गया। ये मीडिया के थ्रू हुआ, ये समाज के थ्रू हुआ, ये पॉलिटिशियंस ने कर दिया, ये रिलीजियस पीपल्स ने कर दिया, ये हमारे पेरेंट्स ने कर दिया अनजाने में, ये हमारे अड़ोसी पड़ोसियों ने कर दिया, ये हमारे रिश्तेदारों ने, ये हमारे दोस्तों ने, इसने ये हमारे माइंड को प्रोग्राम कर दिया। अब अगर हम अवेयर हो गए कि हम प्रोग्राम्ड माइंड का शिकार हो गए, हम क्या करते हैं, इसका शिकार हो जाते हैं। इसलिए जिंदगी में सफलताएं पाने से वंचित रह जाते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस था। जब मैं असफल लोगों के साथ था तब मैं असफल था, जब मैंने सफल लोगों का संग साथ किया तो सफलताएं मिलने लगी। क्यों? उनकी प्रोग्रामिंग सक्सेस के लिए होती है, उनके माइंड की प्रोग्रामिंग जीत के लिए बनी होती है। तो सारा का सारा खेल माइंड की प्रोग्रामिंग का है, सारा का सारा खेल समझ का है। अगर आप ये समझ जाओ कि इस गलत प्रोग्रामिंग को किसी दूसरे लोगों ने अनजाने में कर दिया, वो भी चाहते नहीं थे लेकिन अनजाने में कर दिया, क्योंकि हमारे माता पिता हमें वही तो सिखाएंगे ना जो उन्होंने अपने माँ बाप से सीखा, हमारा समाज हमें वही सिखाएगा जो उसने अपने समाज से इकट्ठा किया, हमारे धार्मिक नेता भी हमें वही सिखाएंगे जो उन्होंने सीखा, समझा और पढ़ा। तो उनकी कोई गलती नहीं, हम भी ऐसे ही करने वाले ना। हमें जो आता है, हमें जो पता है, वो भी हम अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन हमें क्या शेयर करना चाहिए, हमें अपने माइंड को ईमानदारी से अपने हिसाब से प्रोग्राम कर लेना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज के लिए बने हैं, हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरीन से बेहतरीन ऐसी चीज हमारे अंदर छुपी हुई है जिसे हम दुनिया के सामने ला सकते हैं और लोगों के काम आ सकते हैं। वो हमें सर्च करना है, वो हमें तलाशना है, वो हमें ढूंढना है, और वो हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हम हमारा शरीर और मन है ही नहीं। हमें ये जानना पड़ेगा कि हम इस शरीर और मन से अलग भी हमारा कोई वजूद है और वो है हमारी आत्मा। ये समझ लेना पड़ेगा आपको कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट द माइंड। ये समझना पड़ेगा। इसको जितना गहरे से आप समझते चले जाइए ना, मेडिटेशन उतना ज्यादा क्लियर होता चला जाएगा। फिर ध्यान करना नहीं पड़ेगा कि हम 3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, हम 4 घंटे मेडिटेशन करते हैं, फिर सिवा मेडिटेशन के और कुछ होता ही नहीं। क्योंकि बार बार आप अपनी आत्मा में स्टेबल हो जाते हो, बार बार आप अपने सेल्फ के साथ रियलाइजेशन उसका होने लगता है। आपको रियलाइजेशन बीच बीच में होता रहेगा, कई बार होता रहेगा,
कई घंटों होता रहेगा, कुछ मिनटों, कुछ सेकंडों हो सकता है, फिर क्या होता है, स्टेबलाइजेशन हो जाता है कि आई एम द सोल, आई एम द सोल, मैं वही हूँ, आई एम दैट, सोहम 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 का मतलब ही है कि मैं वही हूँ। अब वही का मतलब ये मत समझना, वही का मतलब कोई आसमानों में अंतरिक्ष के पार कोई बैठा है, वही का मतलब यही, आई एम दैट का मतलब आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, नॉट नॉट माई माइंड, आई एम द प्योर सोल। तुम्हें उसे महसूस करना, हम धीरे धीरे उसे महसूस करने लगते। आने वाले समय में मैं समझ ध्यान को बड़ा विकसित करने वाला हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है। समझ ध्यान और श्रवण ध्यान, सुनकर भी ध्यान को उपलब्ध हो सकते हो, सुनकर भी सत्य को पाया जा सकता है, सुनकर भी जीवन को मुक्त किया जा सकता है और सुनकर भी जीवन में अद्भुत विकास किए जा सकते हैं। अगर आप गौर से और ध्यान से मुझे प्रेम पूर्वक सुनते रहे, विश्वास के साथ, तो जरूर जीवन में 100% बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। मेडिटेशन क्या है, ये धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा और आपके जीवन में अपने आप घटने लगेगा और फिर करना नहीं पड़ेगा, तुरंत निर्भर हो जाओगे आप, बहुत सारा बोझा अपने आप उतर जाएगा। मेरे जो छोटे छोटे वीडियो है ना, अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ वो चीज़ समझ लेंगे आप। अगर मेरे वीडियोज अच्छे लगते हो तो थम्सअप का बटन दबाकर लाइक जरूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।